स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और उर्फी जावेद को लोग पहले ट्रोल करते रह गए, उन लोगों में मैं भी था, और उसके बाद फिर उर्फी जावेद की तारीफ होने लगी कि उर्फी जावेद तो मेट गाला में जाना डिजर्व करती है, और अभी गाली खाने वाले भी बहुत काम करे उर्फी ने। पर फिलहाल उर्फी का शो आ रहा है, तुम लोग ट्रोल करो, ये करो वो करो, उर्फी पैसे छाप रही भाई, देखे जरा कैसा शो आ रहा। लोग कहते हैं जस्ट एन अटेंशन सीकर, दे जज्ड हर, शी गेव देम अ शो टू जज। बस लाइफ में ऐसे ही सक्सेस चाहिए भगवान। ये प्रमोशन वाले भी हर कुछ लिख देते हैं, मेरे को तो पैसा भी मिला, मैं तो फ्री में कर देता हूँ भाई। उर्फी के साथ अपने जितने घरेलू रिश्ते हो चुके हैं, घरेलू तो नहीं बोलूंगा पर ठीक है। बस इसीलिए अतरंगी कपड़े पहन के नाटक करती हूँ, छपरी हूँ, सड़क छाप हूँ। यार उर्फी कुछ भी है, छपरी तो नहीं, उर्फी मतलब छपरी तो नहीं बोल सकते, छपरन बोल सकते हैं। जलते हैं सारे, आई डोंट ब्लेम देम, किसी और की कामयाबी देखी कहाँ जाती है लोगों से। ठीक है बहन, ठीक है, जलू बोल लो, जल कुकड़ा बोल लो, कहीं ना कहीं हाथ तो हमारा भी है थोड़ी सी यार तुम्हारी उसमें, कि हम आके तुम्हारे बारे में बात करते हैं तभी तो आगे बढ़ती हो तुम। तुम्हें तो बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच, ऐसी क्रिटिसाइज करती रही। Honestly sounds like a damn problem. सोशल मीडिया पे छाए रहने के अलावा मैं एक बॉस भी हूँ, क्या करें, दुनिया के साथ भी रहना पड़ता है। घर के नखरे अलग, सबको खुश रखो। घर तो छोड़ चुकी ना शायद ये, और फिर दुनिया में ना अपनी एक सीधी साधी इमेज बनाओ। But that's not the real me यार, फिर असली उर्फी है कौन, जाने की हिम्मत है तो चलो सबको दिखाती हूँ। असली उर्फी वो है जो पर्दा फाड़ के कपड़ा बना देती है। Watch follow कर लो यार on 23rd August on Prime Video। शो का नाम ही फॉलो कर लो यार, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बस सब्सक्रिप्शन मत मांगना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई उर्फी को देखने के लिए पैसे देगा। गजब बेइज्जती है। इतनी क्या अटेंशन सीकिंग भाई, डिस्प्ले लेके घूम रही है छाती पे। फ्लैट चेस्टेड, यार मैं अनपढ़ साउंड कर रहा हूँ, जितनी धीरे धीरे वो वर्ड्स आ रहे हैं मैं कैसे एकदम से पढ़ लूँ। एट द एयरपोर्ट ओरी, ओरी नोट सॉरी, ये ओरी का गिफ्ट लग रहा मेरे को दोस्तों, ओरी दे सकता है ऐसी चीज है। प्राइम पीस स्टार, ये तो मैंने शुरू ही बोल दिया था, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और ये टीवी लगा के क्यों घूम रही उर्फी दीदी, इसमें गेम वेम चलते हैं क्या, मूवी वूवी लगा सकते हैं इसमें। उर्फी न्यू लुक क्या है भाई, है ऐसी तो पुराने नाटकों में चुड़ैल की नाक हुआ करती थी भाई। इसको देख के मेरे को सच बताऊं छोटा भीम की वो चुड़ैल याद आ रही, उसका नाम याद नहीं आ रहा, झाड़ू पे बैठ के उड़ती रहती थी। भाई साहब क्या है ये, कुछ भी कहो यार, कॉन्फिडेंस है उर्फी में, मतलब ऐसे उल जलूल कपड़े पहन के पटवाजी में रहना अलग चीज है। मैं तो अगर मेरी बटन वटन एक टूट जाए शर्ट की, मैं घबरा हुआ रहता यार, शर्ट की बटन टूट गई शीट यार, पैंट बढ़ गई शीट यार, वो तो खुद फाड़ देती है। ये सही है भाई, कोई अपने जारा पास आ रहा हो पट्टे कड़ा दो उसको, चुभा दो। क्या है भाई ये, एनाकोंडा है, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है क्या है, वो घूम भी रहे। उर्फी अब इस दुनिया की नहीं रही, अब उसको लेने एलियन आएंगे। मेरे को तो डर है, बल्कि उर्फी जैसे काम करती है हम सबको खतरा ना हो जाए एकदम, कि एलियन वेलियन ऊपर से देख ले कि ये तो हमारे साथ वाली है, ये नीचे क्या कर रही है, चलो इसको लेने चलते हैं। उसके चक्कर में युद्ध छिड़ जाएगा दोस्तों एलियन से, ये गलत कर रही है उर्फी। अब इससे सिर्फ देश को नहीं, इसको दुनिया को खतरा इससे। मेट गाला में अगर ये चली जाती है ऐसे कपड़े पहन के, तो एक बार में रिपोर्टर बस इसकी फोटो खींच पाते मीडिया वाले, क्योंकि जितना बड़ा इसका ये खोमचा है उसमें कोई और तो घुस नहीं पाता, या तो फिर बाकी लोगों को पजल खेलनी पड़ती साथ में। अरे रुकना ये क्या नहीं, अरे हैंगर रखना भूल गई दोस्तों घर पे, आलस नहीं इतना करना, इतना नहीं करना चाहिए उर्फी जी, हैंगर निकाल के रख दो बाकी का पहन लो। उर्फी जी इधर सामने देखो ना, इधर इधर मैडम जी, वो बेचारी सामने ही देख सकती है, अभी घोड़े जैसे नाल लग गए, पूरा मुड़ना पड़ता है उसको। भगवान ने इंसान को आंखें दी थी कि वो ऐसे ऐसे भी देख सके, उर्फी ने खुद को घोड़े की नाल लगा दी है, वो सिर्फ मुंडी घुमानी पड़ेगी देखने के लिए। माइक ये क्या शो वो करने गई थी स्टैंड के साथ भाई, मैंने अभी 4-5 दिन पहले रेनकोट पहना था ऑरेंज कलर का, उसमें मैं जादू जादू फील कर रहा था, एंजॉय कर रहा था मैंने भाई, तो उर्फी तो एंजॉय करती होगी भाई ऐसे कपड़े पहन के। जादू कम लग रही है मुझे, जादू के ग्रह की किडनैपर ज्यादा लग रही है। फैशन में कुछ फैशनेबल तो रखो, ये क्या है, ये तो अपराधियों के कपड़े लग रहे हैं। थोड़ी देर में उर्फी ऐसे करके क्या कहते हैं जाले की जगह यहाँ से चड्डी निकाल दे, अंडरवेयर वो पुराने जो आती थी अंकलों वाली भारी भरकम सी, तो मेरे को ज्यादा वो भी नहीं होगा आश्चर्य। भाई वो रेप्टाइल्स ही नहीं लग रहे,
अब उर्फी है दोस्तों जो मुंह से बजा के एलियन बुला सकती है। और हम क्या ट्रोल करें, ये मीडिया वाले करते हैं। जादू जादू म्यूजिक मैंने लगाया क्या? उनने लगाया। कुछ दिन में दोस्तों उर्फी या तो अपना एक ब्रांड लॉन्च कर देगी या तो फिर कपड़ों के सेक्शन में एक मेल एक फीमेल किड्स और एक उर्फी सेक्शन होगा। जो ज्यादा उल जलूल पगलू डगलू से हैं उनके लिए उर्फी सेक्शन है। और लोगों को ना भी पता हो वो उर्फी है तो भी उसके साथ फोटो खींच ले, क्या पता दूसरे ग्रह का प्राणी हो, कल मिले ना मिले, उर्फी तो रोज दिख जाएगी एयरपोर्ट पे। भाई लोग मानना क्यों नहीं चाहते कि वो उर्फी का बाप नहीं है? उर्फी जावेद भी नहीं है। मुझे तो उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो जावेद भी नहीं है। बेचारे जावेद अख्तर। और अगर चलो मान लो उर्फी जावेद भी होती तो उसका सरनेम जावेद होता, उसके पापा का नाम जावेद थोड़ी होता। उर्फी जावेद उसके पापा जावेद अख्तर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जावेद अख्तर कह रहा मैं अब कंजर्वेटिव हो गया, मैं तो बड़ा समझदार शाना आदमी हूँ, ये कहाँ जोड़ा जा रहा मुझे। पर यार बहुत सारी ऐसी फैमिलीज रहती हैं जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों की वैल्यू नहीं करते, स्पेशली लड़कियों की। लड़के के पास तो मतलब थोड़ा सा वो भी रहता है कि भागा दौड़ी इजी रहती है, घर से भगना है वो कमाना धमाना। लड़कियों को वो उस लायक कैपेबल भी नहीं बनने देते कि वो सोच पाए कि कुछ कर पाए। पर ठीक है यार, जिन लोगों की भी फैमिली में प्रॉब्लम है वो तो प्राउड ऑफ यू यार, तुम लोग अगर झेल पा रहे हो सब चीजें, वो बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो वो और टफ होता है। ये सब झेल झाल के उर्फी जहाँ तक निकल गई है, पर उर्फी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है, इतने आगे भी निकलने की जरूरत नहीं थी। तो फैशन उसको ही कहते हैं जहाँ पे 4-25 लोग तो परेशान होने चाहिए अपने आसपास। तुम किसी से नॉर्मली नहीं कह सकते कि पैर छुआ आशीर्वाद लो, बड़ा आदमी हूँ मैं, कपड़े ऐसे पहनो कि 4 लोगों को पकड़ के घूमना पड़े। सबसे बड़ा जब 4 लोग नीचे झुक के चलेंगे तभी तो एक राजा कहलाएगा। बस एक ही चीज देखना बाकी है दुनिया के लिए, एक आध दिन वो भी मिलेगा दोस्तों। उर्फी दोस्तों हमारे लिए करती है कहीं ना कहीं ये सब फैशन वैशन करके, सब ये सब झेल रही है वो हमारे लिए, ताकि हम आनंद ले पाए। हम ले रहे हैं आनंद, आप ले पा रहे हो तो लाइक कर दो ताकि मैं और आनंद ले पाऊं। चैनल सब्सक्राइब कर दो, और तुम लोग करते नहीं हो मैं देख रहा हूं। बिकेम अ फैशन आइडल फॉर एवरीवन फॉर एवरी गर्ल बस सिस्टर वॉश हर क्लोथ सेंस दैट व्हिच काइंड ऑफ क्लोथ। उर्फी जावेद के नाम पे डिबेट चल रही है कोचिंगों में, इज इट गुड दैट अ गर्ल इज वेयरिंग। मेरी भी इंग्लिश कोई अच्छी नहीं है, मैं मजाक नहीं उड़ा। इज इट गुड दैट अ गर्ल इज वेयरिंग एंड व्हाट इज दिस वेयरिंग मी और एंड इट इज आल्सो गुड फॉर देम who like that kind of fashion style. You maybe you don't like that kind of fashion style, that's why you're not liking it, but there are so sab ghabraye baithe kyunki hamari bari aa gayi to hamari lanka aur buri lagegi, kya pata hamare paas to itne shabd bhi na ho. Meri bari aa gayi to ek bhai khada hai na muh pe aisa bandana pehen ke, like people in this world and in this country they are liking it and they are appreciating her talent. Kya baat hai, Urfi tumhe bula rahi hai apni lawyer banne ke liye. Is pe Urfi ne comment bhi kiya tha ki ye kahan chal rahi hai ye debate, kaun hai jo Urfi ke haq ke liye ladai kar raha hai pehli baar, aaj undertaker ban ke aaye ho. अंडरटेकर कम बाजीगर ज्यादा लग रही मुझे बैटमैन। अंडरटेकर भाई पैंट है नीचे, भाई ये पैंट है। अपन तो ये भी नहीं बोल सकते कि पापा की पैंट है क्योंकि पापा का तो घर छोड़ दिया। ये पैंट किसकी और भी किसकी पैंट उचकाई है ये? लोग डालते होंगे जेब में हाथ, और भी पैंट में हाथ डाल के घूम रही है। यार पर मानना पड़ेगा ये मीडिया वालों को है, कैसा भी उल जलूल कचरा कुचूल पहन के आ जाए उर्फी पहचान तो लेते ही है वो कि वो देखो एलियन जा रहा है, नहीं वो तो हमारी उर्फी है। बताइए ये कौन सा पोकेमोन है उर्फी मोन? एक वेब सीरीज देखी थी मैंने द बॉयज, उसमें एक कैरेक्टर रहता उसके जैसी लग रही पूरी की पूरी, क्या नाम था उसका, ब्लैक नोआर। ये ब्लैक नोआर जैसी लग रही है। एक तो उर्फी पढ़ी लिखी है, नहीं तो मैं यहाँ राइम कर सकता था ब्लैक नोआर ब्लैक गवार, पर उर्फी पढ़ी लिखी है। शिट, मेकअप करने की जरूरत क्या बाजीगर बैटमैन? लेट हो गई थी, ये जाती कहाँ ऐसे कपड़े पहन के, ये कहीं जाती है एक्चुअल में ऐसे लथड़ते पथड़ते से? उर्फी जावेद भी लाइक बाप रे ये क्या बम्बू पहन के घूम रहे, कहाँ से चुराए, पुलिस वाले आ जाएंगे घर पे इतने डंडे मारेंगे, तूने तो प्रॉपर कपड़े भी नहीं पहने, उनके डंडे से दर्द कम हो, ज्यादा दर्द होगा तुझे, कोई फूंक मार देगा वो पुंगी आगे से पकड़ के, चिल्स आ जाएंगे पूरे शरीर में। खतरनाक चीजें करते रहते हैं भाई लोग। आप लोग भी एक खतरनाक चीज कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों विनती करता हूँ, मेरा ये जो चैनल है इसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, इसकी वीडियो 3-4 दिन बाद थोड़ी सी व्यूज पकड़ना शुरू करती है, तो अगर हो सके तो कमेंट थोड़े ज्यादा कर देना, हर बंदा अगर 5 कमेंट कर देगा तो अपना चैनल हो सकता है सही हो जाए, तो प्लीज कमेंट करें, धन्यवाद।